हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ बाय वसुंधरा एंड आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक मंथली रीडिंग दिस रीडिंग इज़ फॉर जुलाई एंड इट्स अ जनरल रीडिंग इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ रीडिंग चाहिए हो पर्सनलाइज तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अच्छा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के लिए दिया एक स्पेशल सरप्राइज़ अ सरप्राइज अ थैंक यू फॉर बींग माई सच अ लवली यूट्यूब फैमिली तो बिना डेट करे अब वीडियो को शुरू करते हैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना फॉर सैचटेरियस और राइट ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब कुछ रेजनेट करे तो जितना रेजनेट करे उतना ही पिक कीजिएगा एंड इसके अलावा भी अगर आप में से किसी को कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फिर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके मैं आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग दे सकूँ ओके चलिए सैचटेरियस जुलाई का महीना सैचटेरियस के लिए कैसा रहेगा वॉट्स देयर फॉर सैचटेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई ओके एस ऑफ कप्स एस ऑफ स्वाद्स And the King of Wands. What's there for Sagittarius in the month of July 2024? Okay. Queen of Wands. Uh huh. Let's see. What else is there for Sagittarius? what's there for sagittarius in the month of july 2024 kaisa rahega sagittarius ka july ka, do ka what's there for sagittarius in the month of july 2024 what's there for sagittarius in the month of july 2024 what's there for sagittarius okay The Two of Swords and the Two of Cups. All right. Last shuffle for Sagittarius for the month of July, two thousand twenty four. Okay. ऑल राइट दैट्स अ ब्यूटिफुल कार्सरियर्स एनी थिंग एल्स फॉर सैचे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एनी थिंग एल्स दैट आई नीड टू नो फॉर सैचटेरियर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ओके ओकेर द थ्री ऑफ कप्स ऑल राइट सैचेरियर्स तो देखते हैं कि क्या है आपके जुलाई के महीने में ये जेनरल रीडिंग है आप लोगों के लिए Uh, पहला कार्ड है आप लोगों का एस ऑफ कप्स दैट्स अ ब्यूटिफुल स्टार्ट सैचेरियस एस ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई नया इमोशन आ रहा है कोई नया कोई भी कोई भी टाइप का नया इमोशन हो सकता है वेरी हैप्पी एनर्जी वेरी हैप्पी इमोशन कोई भी बहुत ही आपने सोचा नहीं था और ये चीज़ आ गई हो सकता है आप में से यू you नो know, कुछ लोगों के लिए इट इज़ सम काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ या ऐसा हो सकता है कि आ, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोगों को कोई प्रपोज कर रहा है पन किसी भी टाइप का हैप्पी ब्यूटीफुल न्यू इमोशन मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स ना विद द एस ऑफ सॉड्स मैं देख रही हूँ कि कोई नया आइडिया आप लोगों की आ, आप लोगों को मिल रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई कोई नया पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी चीज़ को कोई सिचुएशन को आपने घुमा के कोई नए पर्सपेक्टिव से देखा हो और अब आप लोगों को अपना अगर सिचुएशन का आंसर नहीं मिल रहा था तो अब आप लोगों के दिमाग में कोई नया आइडिया कोई नया पर्सपेक्टिव सा आया है इस महीने इन द मंथ ऑफ जुलाई और राइट एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में नए थॉट्स न्यू आइडियाज़ न्यू न्यू बिगनिंग के तरीके नए नए चीज़ें करने के तरीके कोई चीज कोई चीज़ को करने का अलग तरीका कोई ढंग कोई सॉल्यूशन कुछ भी कोई भी एक नया आइडिया मैं आप लोगों के पास देख पा रही हूँ अलॉन्ग विद न्यू इमोशंस दैट आर इन योर लाइफ ठीक है एंड दिस इमोशन फील्स लाइक हैप्पी इमोशन टू मी सैचेस बिकॉज आपके कार्ड की एनर्जी जो है इस बार जुलाई के महीने में वो बहुत ही खूबसूरत है ओके विद द किंग ऑफ वांस आई कैन सी दैट यू गाइज आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर एक्शंस ठीक है हो सकता है कि कोई काम को आप लोग अब सीरियसली करने लग गए हों जिसको पहले आप लोग बस ऐसी हवा में कर रहे थे बट अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हों उस काम को या ऐसा भी हो सकता है कि यू आर जनरली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर ओके कि कोई एक्शन कोई काम जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं सैचटेरियस ऑल राइट विथ द क्वीन ऑफ Wands, अगैन देखिए कितना डूइंग एनर्जी है बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग है आपके लिए सैचटेरियस विद द क्वीन ऑफ वॉर्न में देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो सोशल बटरफ्लाई बन रहे हैं यानी कि इधर उधर लोगों से बातना बात करना Uh, या अपना मन बहलाना थोड़ा सोशल मीडिया पे होना या कुछ उस टाइप का इंटरेस्टिंग चीज़ें किसी से मिलना जुलना इस टाइप का कुछ कार्ड मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का क्वीन ऑफ वॉन्स के साथ एंड अपने एक्शंस को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं ध्यान दे रहे हैं कि कुछ गलती ना हो जाए आपसे और बड़ा केयरफुल हो के आप लोग काम कर रहे हैं ये एक एनर्जी बहुत ही सुंदर है सास्टेरियस विद द क्वीन ऑफ़ वान्स नाओ नेक्स्ट कार्ड इज़ योर टू ऑफ स्वाज्स अगर कोई ऐसा सिचुएशन था सास जहाँ पे आप कंफ्यूज थे या अभी हैं ऐसा कोई इमोशन आप लोगों को हो सकता है कि फीलिंग आए कि थोड़ा सा यू you नो know, कहाँ जाऊँ क्या करूँ ये लूँ या वो लूँ इस टाइप का इमोशन आ सकता है तो वो एक्शन अगर वो उस टाइप का थॉट अगर पहले भी आपके दिमाग में था तो अभी डिसीजन मेकिंग का टाइम आ रहा है विद द टू ऑफ स्वाट्स मैं देख पा रही हूँ कि एक डिसीजन लेने का वक्त आ रहा है कि इस ये वाला या वो वाला डिसीजन कोई एक लेना ही पड़ेगा जो अभी तक आप डिसाइड नहीं कर रहे थे वो अब आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा उस टाइप का सा एनर्जी नज़र आ रहा है विद द टू ऑफ स्वाट्स सो यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ और अब आप उस सिचुएशन को और टाल नहीं सकते हैं कि इस देखेंगे जब आएगा तब देखेंगे ऐसा नहीं कर सकते ओके okay? और अगर ऐसा ऑलरेडी नहीं था तो अब यह सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि कोई डिसीजन लेने का वक्त आने वाला है ठीक है विद द टू ऑफ कप्स में देख रही हूँ कि एक इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आपका किसी के साथ हो सकता है कि कोई आपको अपना कप ऑफ इमोशन ऑफर कर रहा है और वही सेम कप ऑफ इमोशन आप दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ही बढ़िया साझेदारी आप इसमें बहुत ही बढ़िया नो गिव एंड टेक नज़र आ रहा है ये हो सकता है कि आपके किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो रहा हो फ्रेंड्स के साथ हो रहा हो कोई फैमिली के साथ हो रहा हो या कोई वर्क बिजनेस में भी हो सकता है ठीक है एंड दिस इज़ बेनिफिटिंग बोथ ऑफ यू जो भी आप उनको दे रहे हैं जो वो आपको दे रहे हैं उससे आप दोनों को बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है विद द टू ऑफ कप्स ओके सो यू आर वेरी यू नो ग्रोइंग एनर्जी है साथ में डेवलप करने वाली एनर्जी है साथ में यू नो इक्वल गिव एंड टेक मैंने तुम्हें पानी इतना दिया तुमने भी मुझे पानी इतना दिया है सेम काइंड ऑफ एन एनर्जी ऐसा नहीं है कि एफर्ट ए की तरफ से एफर्ट दोनों तरफ से नज़र आ रहा है ओके ऑल राइट नाउ दिस इज़ द टेन ऑफ पेंटिकल्स टेन ऑफ पेंटिकल्स में मैं देख पा रही हूँ कि सडन वेल्थ आप लोगों के पास आ रहा है हो सकता है कि आप लोग ये इनहेरिट कर रहे हैं या हो सकता है कि आप लोगों को कोई पहले का आप लोगों का एफर्ट था उसका फाइनली रिजल्ट मिल रहा है बट ये एक सडन वेल्थ इन अच्छा इंक्रीज ऑफ वेल्थ नज़र आ रहा है वेल्थ शावर आपके ऊपर नज़र आ रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करते हुए किसी चीज़ के लिए नज़र आ रहे हैं कोई गैदरिंग में नज़र आ रहे हैं कोई सेलिब्रेशन में नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई कोई टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है जिसमें आप लोग बहुत खुश हैं ओके अगेन विद द थ्री ऑफ कप्स देखिए फिर वही एनर्जी है कि आप लोग बहुत कोई ना कोई तो सेलिब्रेशन मुझे लग ही रही है आप लोगों के लिए सैचेरियस कोई रीज़न मिलेगा आपको अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एंड uh, मैं देख पा रही हूँ कि uh, एक ना यूनियन टाइप लग रहा है और आप में से बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है बहुत ही कम लॉट के लिए है लेकिन ये है ठीक है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सिचुएशन हो रहा है यू नो टू मेनी पीपल इन अ सिचुएशन मेक्स द सिचुएशन बैड इस टाइप की सी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे थ्री ऑफ कप्स के साथ यानी कि यू नो एक कोई बिजनेस डील हो सकती है जिसमें दो लोग आपस में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और अब तीसरा इंसान आ गया है तो क्योस हो गया है तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है ओके okay, कोई चीज़ को लेके कि बहुत सारे लोग एक चीज़ में घुस गए ना तो अब वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्योटिक होती जा रही है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं उस सिचुएशन के अंदर तो ऐसा भी एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है बट ओवरऑल एक सेलिब्रेशन का एक न्यू इमोशन का एक यू नो फॉरवर्ड मोमेंट का एक बहुत ही प्यारे अच्छे इस जुलाई का मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है सैजटेरियस मैं आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करता होगा एंड अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है कि नहीं ओके okay? एंड uh, इसके अलावा टाइम फॉर सरप्राइज़ फॉर माई डियर सैचटेरियस पीपल मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ बिकॉज आप लोग मेरे साथ इतना कॉपरेटिव uh, रहे हैं एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं एंड आगे भी ऐसा करेंगे इन एंटिसिपेशन फॉर सेम मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज लाई हूँ कि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक वन क्वेश्चन फ्री रीडिंग ओके सो कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हो या आपके करियर रिलेटेड हो या आप लोगों के लव लाइफ रिलेटेड हो कि ये चीज़ कब होगी होगी या नहीं होगी या या फिर आप पूछ सकते हैं कि यू you नो know, इस चीज़ के अंदर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं कि आपको अपने यू नो लव लाइफ के रिलेटेड क्या करना चाहिए उस टाइप का कोई गाइडेंस चाहते हैं तो कोई भी एक क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन एक लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अलोंग विद योर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ओके एंड वो कमेंट्स आप जरूर डालिएगा मैं आप लोगों को उसके लिए एक फ्री रीडिंग दूंगी वो मैं आप लोगों को उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगी एंड uh, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मे अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे एंड आगे भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैं फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पा सकूँ और आप लोगों का सपोर्ट मुझे फ़ील हो और मैं इंकरेज फील करूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग सरप्राइजेस लाने के लिए ओके सो so अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सरप्राइजेस मैं लाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा एंड uh, इसके अलावा अगर कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ अपने डिटेल्स शेयर कर सकूं तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर